students, we will continue our maths class. Our chapter 3 is running and exercise 3.2. okay, now today we are going to learn question number 4. आपके बुक में जो क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है वो ये है, व्हाट इज द सम ऑफ द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर एंड द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। इसका मतलब है आपको 5 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर और 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर का सम आपको बताना है, सम मतलब उसको सॉल्व करके बताना है, प्लस करना है, सम मींस प्लस। ओके, तो ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर पहले अपने को पता होना चाहिए। यस, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर कौन सा होगा? यस, बताइए। 1 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर 9, 2 डिजिट 99, 3 डिजिट 999 एंड 4 डिजिट 9999। और बात किसकी हो रही है? 5 डिजिट की। तो 99999 is the 5 digit greatest number। ऐसा हो जाए सबको, 1 digit कितना हो गया 9, 2 digit 99, 3 digit 999, 4 digit 9999 and 5 digit is the greatest number 99999। अब क्या बोला उन्होंने आगे देखो, एंड द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, इनका क्या करना है हमको? प्लस करके बताना है। तो 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर बताएंगे पहले पीछे से, कभी भी हम सम सॉल्व करेंगे या डिफरेंस निकालना हो, माइनस के सम करना हो, दूसरी सेकंड डिजिट हमको वंस के प्लेस से ही लिखना है। अगर आप यहाँ से स्टार्ट करोगे तो यहाँ तक एंड होगा तो आपका सम पूरा रॉन्ग हो जाएगा। जब भी आप ऐड करो माइनस करो आपको पीछे से वंस की प्लेस से ही स्टार्ट करना है ना, 1, 10, 100, 1000 and 10000। ओके, वंस की प्लेस में कितना डिजिट बोला उन्होंने? 4 डिजिट। तो 1 डिजिट कितना हो गया 9, 99 इज अ 2 डिजिट, 999 3 डिजिट एंड 9999 4 डिजिट हो गया ग्रेटेस्ट नंबर। अब करना क्या है इसको, हमको सम करना है, सम मतलब प्लस, हमको उसको प्लस करना है। तो साइन किसके लगाएंगे हम? प्लस की। यस, 9 प्लस 9, 9 और 1 है 10, 9 फिंगर्स। लेकिन आप ऐसे भी कर सकते हो, 9 टू जब 9 को 9 पर अगर टेबल्स में देखो 9 9 कितना होता है 18, तो 18 का 8, 9 के बाद 2 टाइम 9 टू जा 18, अगर 9 3 टाइम है तो 9 3 जा 27, ऐसे ट्रिक है ये मैथ्स की। लेकिन आपको अगर ऐड करना है तो एडिशन तो 9 और माय हेड एंड 9 फिंगर्स, तो कितना आएगा 18, 18 का 8 कैरी पर 1, 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 1 9, 19 कैरी पर 1, 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 9 19 कैरी पर 1, 9 प्लस 1 10 प्लस 9 19 कैरी पर 1, 9 प्लस 1 10, 10 कैसे लिखूंगी मैं? 0 यहाँ लिखूंगी और 1 को नेक्स्ट प्लेस पे लिखूंगी क्योंकि वो लेग की प्लेस हो जाएगी, ध्यान रखेंगे सर। तो आंसर क्या है हमारा? 1 लेग 9998। ऐसा हमने अब नेक्स्ट सम में बता दिया आपको। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5, अरेंज इन कॉलम एंड एड। ओके, इन योर बुक क्वेश्चन नंबर 5 ए वाला है। यस, 4197 एंड 2823। ओके, फर्स्ट सम ये है ए वाला और उसके बाद बी वाला है आपका, चलो एफ ले लेते हैं, एफ वाला है। ठीक है, 27,495 है ना, उसके बाद है 18,831 एंड 1,700
58. ओके यस, फर्स्ट हम ये करेंगे क्लैरिटी के लिए ही करेंगे, ठीक है, ए वाला लिखेंगे. करना क्या है हमको, ऐड करना है. करना क्या है, ऐड करना है, ठीक है, और अरेंज करना है कॉलम में, ठीक है. चलिए फर्स्ट नंबर हम लिखेंगे 41,497. तो हम उसके ऊपर प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं, इससे हमको कॉलम में लिखने के लिए सुविधा हो जाएगी, हमसे ये रॉन्ग नहीं होगा. ओके, वन टेंस हंड्रेड थाउजेंड एंड 10,000, मान लो कभी हुआ तो. ओके, 10,000 का नंबर हुआ तो, लेकिन नहीं है तो कोई बात नहीं, क्योंकि फोर डिजिट है. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, फोर डिजिट है, मतलब ये सिर्फ 1,000 के नंबर है. मतलब जरूरी नहीं एक नंबर आपका 10,000 का भी हो सकता है, एक नंबर आपका 1,000 का भी हो सकता है, ठीक है. चलिए यस, नेक्स्ट नंबर हम हमेशा पीछे, नेक्स्ट नंबर हमेशा मैंने पहले भी आपको बताया है, वंस की प्लेस से भी स्टार्ट करना है, ठीक है. वंस की प्लेस पे क्या नंबर ये है, 3, तो हम यहाँ लिखेंगे 3. टेंस की प्लेस पे 2, 8 and 2 प्लस हमको ऐड करना है. 7 on my hand, 3 fingers, 8, 9, 10, carry ऊपर 1, 9 plus 1, 10 plus 2, 12, carry ऊपर 1, 1 plus 1, 2 plus 8, 10, carry ऊपर 1, 4 plus 1, 5 plus 2, 7. अब तो आप क्लास 4 हो, फटाफट एडिशन आते होंगे आपको सिंगल डिजिट के, तो है ना, फटाफट ये. चलिए तो हमारा आंसर क्या आया, 7020. क्या आंसर आया हमारा, 7020. अरेंज इन कॉलम एंड ऐड, जब क्वेश्चन आया तब आपको ऐसा करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 27,495. फिर क्या है, 18,831. ध्यान रखना, फिर हमारा देखना 1758. अब हम डिजिट काउंट कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, मतलब ये 10,000 का है. 1, 2, 3, 4, 4, तो ये ओनली 1,000 का नंबर है, ठीक है. तो हम सबसे पहले ये दो नंबर से स्टार्ट करेंगे, हम नंबर लिखना यहाँ पर लिखेंगे 27,495. नेक्स्ट नंबर पीछे से लिखना है, हमेशा ध्यान रखेंगे 8 and 1. ओके, नेक्स्ट नंबर, अब ध्यान रखना अगर मैं ये नंबर इधर से शुरू कर दूँ लिखना तो ये रॉन्ग हो जाएगा. क्यों, क्योंकि फोर डिजिट ही, तो अगर फोर लिखूंगी तो 1, 2, 3, 4 यहाँ पर ऐड हो जाएगा, ये ऐसे चले जाए, ये रॉन्ग है. पीछे से ही उतारना है हमेशा. वंस की प्लेस है 1, 10, 100, 1,000 and 10,000. ओके, नेक्स्ट नंबर हमारा वंस की प्लेस का 8, 5, 7 and 1. 10,000 नंबर लिख दिया, हम क्या लिख देंगे, 0. क्या लिख देंगे हम, 0. अब करना क्या है हमको, ऐड करना क्या है, ऐड करना, सम प्लस करना. यस, 5 plus 1 ऊपर से आगे लिख कर रहा हूँ, कोई बात नहीं, नीचे से भी बिगेस्ट नंबर देख लो. सबसे पहले 8 on my hand and 1 finger, 9, 9 on my hand and 5 finger, 10, 11, 12, 13, 14. 14 तक का लिख लीजिए, 4, carry ऊपर 1, 9 plus 1, 10, 10 plus 3, 13, 13 plus 5, 14, 15, 16, 17, 18, 18 तक का लिखने में 8. आपको कॉलम में ही लिखना है, अगर आपने ये ऐसा तिरछा लिख दिया तो आपका पूरा सम रॉन्ग हो जाएगा. कॉलम मीन्स एक के नीचे एक एक जैसा आना चाहिए, ठीक है. 18 का 8, carry ऊपर 1, 4 plus 1, 5, 8 plus 5, 9, 10, 11, 12, 13, 13 on my hand and 7 finger, 13 के बाद बोलेंगे 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 का 2, carry ऊपर 2, 7 plus 2, 9, 9 plus 8, तो 8 finger लेंगे, 9 के बाद बोलेंगे 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 plus 1, 18. Carry ऊपर 1. 2 plus 1, 3. 3 plus 1,
फोर, जीरो है, जीरो प्लस फोर प्लस जीरो फोर, क्योंकि कुछ भी हमने प्लस नहीं करा, जीरो है तो क्या आ गया फोर, 48,084 इज द आंसर। ओके, तो आज हमने क्या सीखा है, अरेंज इन कॉलम एंड ऐड। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।